नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चलते हैं मोटिवेशनल क्वोट की ओर। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग के दरवाजे भी खोल देती है। ठोकर हमें इसलिए नहीं लगती दोस्तों कि हम गिर जाएं, बल्कि ठोकर इसलिए लगती है कि हम उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ जाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने किसे कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अजय कुमार को कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। अजय कुमार इससे पहले अपने 3 दशक लंबे कैरियर में विदेशी मुद्रा, बैंकिंग, पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन, मुद्रा प्रबंधन सहित विभिन्न विभागों में दोस्तों कार्य कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो दोस्तों, NBA चैंपियनशिप रोस्टर में क्रिस पॉल से हैं दोस्तों पहले भारतीय बने हैं। दोस्तों, NBA की फुल फॉर्म है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, और दोस्तों नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में टाइटल विनिंग टीम में दोस्तों क्रिस पॉल से हैं पहले भारतीय बने हैं, जो कि दोस्तों इनका संबंध हरियाणा रोहतांग से है और ये रहे दोस्तों आपके सामने क्रिस पॉल से हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो दोस्तों, हाल ही में मदर टेरेसा की 111वीं जयंती मनाई गई है। 26 अगस्त को केंद्रीय मंत्री हरप्रीत सिंह पुरी ने मदर टेरेसा को उनकी 111वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और दोस्तों, मदर टेरेसा गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता और उनके उत्थान के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। इनका जन्म दोस्तों 26 अगस्त 1910 को हुआ था, और इन्हें दोस्तों 1989 में दोस्तों मानवता की सहायता के लिए शांति नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और दोस्तों इन्हें 1980 में भारत रत्न दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। महिला समानता दिवस का दोस्तों यह 101वां वर्ष है। पहली बार दोस्तों संयुक्त राज्य में यह दिवस मनाया गया। यह दिन 1920 में हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के 19वें संविधान संशोधन की याद में मनाया जाता है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने दोस्तों 1893 में महिला समानता की शुरुआत की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समृद्धि योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो दोस्तों, समृद्धि योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई, और दोस्तों समृद्ध इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है स्टार्टअप एसलेटर्स ऑफ मेंटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है। इसके माध्यम से दोस्तों स्टार्टअप यानी दोस्तों आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको दोस्तों शुरुआती चरण में सरकार आपकी मदद करेगी। सरकार दोस्तों आपको स्टार्टअप के लिए ज़रूरी फंड यानी पैसा दोस्तों उपलब्ध कराएगी। मेंटरशिप और कई अन्य सहायता दोस्तों सरकार द्वारा आपको उपलब्ध होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हैकाथन मंथन 2021 कब लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, हैकाथन मंथन 2021 26 अगस्त को लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, ये हैकाथन मंथन 2021 है क्या? तो दोस्तों, यह नई अवधारणाओं की पहचान और खुफिया एजेंसियों के सामने जो दोस्तों चुनौतीपूर्ण समस्याएं होती हैं उनके दोस्तों समाधान खोजने हेतु एक विशेष राष्ट्रीय पहल है। और दोस्तों, यह पहल पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में BSF के नए DG कौन बने हैं? तो दोस्तों, हाल ही में BSF के नए DG बने हैं पंकज कुमार सिंह। ये रहे दोस्तों आपके सामने पंकज कुमार सिंह, और दोस्तों यह SS देसवाल के स्थान पर आए हैं। और दोस्तों, DG का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल, और BSF यानी दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यह प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों भारतीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा यह प्रोग्राम कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। और दोस्तों भारत में COVID-19 टीकाकरण 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले दोस्तों कोविशील्ड को भारत में वैक्सीनेशन के लिए मंजूरी मिली थी और अब तक दोस्तों 6 वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल चुकी है। और दोस्तों भारत में COVID-19 का पहला मामला केरल में आया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब निम्नलिखित में से किस राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभ पहुंचाना प्रारंभ कर दिया गया है? तो दोस्तों लाभ पहुंचाना असम में प्रारंभ कर दिया गया है। और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, यह योजना दोस्तों आप जैसे MP के हैं तो आपको दोस्तों UP में राशन नहीं मिलता था। तो दोस्तों इस योजना के तहत एक राशन और दोस्तों एक नेशन योजना श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को 20 राज्यों में लागू की थी। इस योजना के तहत दोस्तों 67 करोड़ लोगों को लाभ पहुंच रहा है। और इस योजना को दोस्तों 9 अगस्त 2020 को लागू किया गया था। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी दोस्त YouTube पर स्टडी लाइव NK बन सर्च करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल। हाल ही में मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेहबन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेहबन का परीक्षण दोस्तों पाकिस्तान ने किया है। और दोस्तों यह है आपके सामने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेहबन। इसकी मारक क्षमता दोस्तों 140 किलोमीटर है। और दोस्तों पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe.